अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनाज और आप देख रहे हैं टेस्ट विद मनाज। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, बकरा कलेजी और ब्रेन कटाकट या टकाटक। बकरा कलेजी ब्रेन कटाकट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बकरे का ब्रेन ले लिया है मैंने एक अदद, जिसे मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। बकरे की कलेजी लेंगे एक कप, जिसे मैंने धो के क्यूब्स में कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून। टोमेटो प्यूरी लेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप एक अदद टमाटर भी ले सकते हैं। हल्दी लेंगे 1 पिंच। भुना कुटा धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून। भुना कुटा ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून। आमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून। लाल कुटी मिर्चें लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक लेंगे 1 टेबल स्पून। कच्ची मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून। ऑयल लेंगे 3 टेबल स्पून। एक तवा ले लेंगे, उसे गर्म कर लेंगे अच्छी तरीके से। ऑयल डालेंगे 3 टेबल स्पून। अगर आपको मेरी कच्ची मसाले की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कच्ची मसाला बाय टेस्ट विद मनाज तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कटाकट वाले स्पून नहीं है तो इस तरह के मैंने 2 स्पून्स ले लिए हैं, जो नीचे से शार्प हैं और स्ट्रेट हैं। आप इस तरह के 2 स्पून्स ले सकते हैं। ब्रेन डालेंगे सबसे पहले, बकरे की कलेजी डाल देंगे और इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। अब तवे के बीच में जगह बनाएंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब कलेजी, ब्रेन और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरीके से भूनेंगे हम तीनों को एक साथ। 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको इस कटाकट बनाने में। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद में वैसे भी सबको बहुत जल्दी होती है और हमें फटाफट हर काम करना होता है, तो जल्दी से आप ये क्विक रेसिपी बना लीजिएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। अच्छी तरीके से हम इसे कटाकट करेंगे। हमें इसे कटाकट करते रहना है और मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। फ्लेम ज़्यादा हाई मत करिएगा वरना आपकी कलेजी जल सकती है। हम इसे कटाकट करते जाएंगे और भूनते जाएंगे 1 मिनट तक के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भून चुका है और हमने कटाकट करते हुए इसे 1 मिनट के लिए भूना है। कटाकट इसे करते रहना है। अच्छी तरीके से हम इसे बारीक कर लेंगे कलेजी को। साइडों से हम सारा मसाला ले लेंगे और फिर कटाकट करेंगे। कटाकट के बीच में हम जगह बनाएंगे और ऐड करेंगे अपने सारे स्पाइसेस। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कीजिएगा, कम खाते हैं तो कम ऐड कीजिएगा। अच्छी तरीके से अब हम अपने सारे मसालों को भूनेंगे कटाकट के साथ, और कटाकट करते हुए हम इसे भूनते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 5 मिनट में ही ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। हमें ओवर कुक नहीं करना कलेजी को, वरना कलेजी हमारी सख्त हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट हमें लगाने हैं इसे कुक करने में, टोटल हमारे 5 मिनट लगेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। अब हम दोबारा बीच में जगह बनाएंगे और टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप एक टमाटर लें, उसका छिलका उतारें और बारीक बारीक पीसेस में काट के उसे ऐड करें और अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लें और उसके बाद टकाटक करते हुए उसे भूनें। हमने अच्छी तरीके से टोमेटो प्यूरी मिक्स कर ली है। अब हम इसे टकाटक करते हुए बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक टमाटर का पानी नहीं सूख जाता। अच्छी तरीके से जब भुन जाएगा हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक कर रहे हैं। अच्छी तरीके से हम पानी सुखा देंगे प्यूरी का। इसे 1 मिनट और कुक करेंगे और प्यूरी का पानी अच्छी तरीके से सुखा देंगे। कटाकट हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में डिश आउट करेंगे। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक से। हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें और अदरक ऐड करके सर्व करेंगे। सिर्फ 5 मिनट में हमारा मज़ेदार सा कटाकट बन के बिल्कुल रेडी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।